बोलिए सर। 3/3/2021 को मंजू वाइफ ऑफ पेमा राम जी बालोतरा से अपने बाई बस द्वारा जोधपुर आए। बस से उतरकर टैक्सी वाहन द्वारा कमला नेहरू हॉस्पिटल आए। वहां आकर इन्होंने अपनी नॉर्मल जांच कराई। पूर्व में वह किसी भी बीमारी से अवगत नहीं थी। जांच कराने के पश्चात डॉक्टर गोयल ने कहा इनका पथरी है पेट में, पथरी का ऑपरेशन किया जाएगा। पथरी का ऑपरेशन के लिए इनको 3 तारीख को कमला नेहरू हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। 42 साल की महिला को, उसका पति उसके पास में था। एडमिट करने के पश्चात क्या हुआ, 5 तारीख को उसके ऑपरेशन की दिनांक दी गई। उसके पश्चात 5 तारीख को उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के पश्चात कंटिन्यू उस औरत को आईसीयू में रखा गया। एक पथरी का मरीज पूर्व में कोई बीमारी से अवगत नहीं, और 5 तारीख से लेकर 19 तारीख तक उस मरीज को आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखने का रीज़न क्या था ये जानते हैं, हॉस्पिटल प्रशासन जानता है, हमें पता नहीं है। फिर कल दिन में दोपहर में इनके बैंगलोर से भाई साहब आए, डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर ने बोला आप बाहर जाओ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ किसी प्रकार की। तो इन्होंने पूछा जो डॉक्टर साहब स्थिति है हमें बताइए। स्थिति बताने के बाद डॉक्टर साहब ने इनको बोला कि श्रीमान जी महिला की हालत बहुत ख़राब है, आप MDM या एम्स अस्पताल में अपने मरीज को ले जाइए। ये करने के पश्चात मरीज ने अपने समाज को सूचित किया, मुझे मित्रता के नाते सूचित किया। सूचित करने के पश्चात रात को 3 बजे मैं यहाँ आया मित्रता के नाते। आने के पश्चात डॉक्टर साहब से हमारी 3:30 बजे बात हुई। डॉक्टर साहब ने कहा दिनेश जी चौधरी ने हमारा ऑपरेशन किया है, उन्होंने सेकंड ऑपरेशन किया लाइफ में। एक डॉक्टर कमला नेहरू हॉस्पिटल का डॉक्टर सेकंड ऑपरेशन किया, उसने प्रैक्टिकल किया, एक नाम मात्र का डेथ हो गई। डेथ होने के पश्चात डॉक्टर साहब ने अभी हमसे मीटिंग, डॉक्टर साहब से पूछा गया कि डॉक्टर साहब ये पथरी का ऑपरेशन था, डेथ कैसे हुई, और आपने इतना लंबे समय 3/3/2020 से लगाकर 5 आज कितनी तारीख है 20 तारीख तक इसको आईसीयू में क्यों रखा। डॉक्टर साहब ने कहा इसका मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि सरकार की योजनाएं भामाशाह से जुड़ी हुई हैं। बिल ये बनाते हैं, सरकार इन्हें भुगतान करती है, सरकारी करती है, इनका कहीं सिग्नेचर होते नहीं है। कुल मिला के पीड़ित प्रेमाराम के साथ एक महिला की, छोटे छोटे बच्चों की निर्मम तरीके से मर्डर की हत्या की है। 302 में थाना अधिकारी को हम प्रार्थना पत्र दे के हैं। माननीय सांसद महोदय के निवेदन के अनुसार, कैलाजी चौधरी शेखावत साहब के अनुसार, भारत सरकार की सुविधाओं के अनुसार पूरी प्रार्थना पत्र हमको दे के हैं। जो पिछले 3 दिन से जयपुर में हत्या हुई, महिला हॉस्पिटल में एडमिट थी, नर्सिंग असिस्टेंट उसके साथ बलात्कार किया था, ये हत्या हम जनता सहन नहीं करेगी। पेमा राम को उचित न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम बॉडी को हाथ नहीं लगाएंगे। उचित निर्णय सुनो, हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दा, हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दा, पेमा राम को उचित न्याय मुर्दा, राम गोपाल मुर्दा, राम गोपाल मुर्दा। एक नन्हे मुन्ने बच्चों ने, बच्चों ने अपनी माँ को खोया है। डॉक्टर को पूछो, एक नन्हे मुन्ने बच्चे को अपने माँ ने, माँ को खोया है। एक माँ को ममता खोने के पश्चात कितना दुख होता है उस माँ को, पीड़ित को। ये डॉक्टर साहब से मीडिया पर बारी पूछे और पूरी जनता को बताए, जवाब दो, राम गोयल 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 जवाब दो। महिला के एडमिट के साथ बलात्कार हुआ था, आपको पता है। मीडिया प्रभारी से निवेदन करता हूँ, प्रशासन जैसे पूछे ये डॉक्टर पर लोग ऐसी राजनीति क्यों करते हैं, क्योंकि धनबल से संपूर्ण है, हम लोग गरीब है, धनबल से संपूर्ण है। कि हमको इतना समय नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड से ज्यादा मरीज को नहीं देखते, हमारा काम नहीं है, मरे तो मरे। एक डॉक्टर साहब राम बॉडी आईसीयू में पड़ी है, राम गोपाल के वर्ड है, थाना अधिकारी साहब पास में बैठे, हमारे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कानून के साथ नहीं रह करके कहा है कि हमको 5 मिनट से ज्यादा सेकंड से ज्यादा समय नहीं है, मरे तो मरे। जोधपुर कलेक्टर महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं, जोधपुर कलेक्टर महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं, ADM से निवेदन करते हैं, गिरफ्तार करें, हॉस्पिटल को सीज करने का प्रभाव करें, दोषी को सजा होनी चाहिए। मुस्लिम गिरफ्तार नहीं होगा, हम नहीं हटेंगे, हाजिर नहीं होंगे जब तक बॉडी को ये नहीं लेंगे। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक बॉडी नहीं लेंगे, जब तक कलेक्टर साहब आएंगे बात करेंगे, कलेक्टर आके हमारे को सही कार्रवाई का भरोसा दिलाएंगे, तभी हम यहाँ से बॉडी उठाएंगे, पहले नहीं उठाएंगे। परिवार को, गरीब परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए। पहले पुलिस वालों ने कहा FIR दर्ज कराओ, उसके बाद हम आपके पास